हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि हमारा क्लास टेंथ के मैथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला लेसन का नाम है संख्या पद्धत। हम लोग संख्या जानेंगे कैसे होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संख्याएँ मुख्य रूप से मेनली टू टाइप्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। तो पहले हम ये समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और उसके बाद काल्पनिक संख्या क्या होती है। फिर हम लोग वास्तविक संख्या से लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या को पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि हमारी जो संख्या होती है वो किसी तरह से होती है। टू टाइप्स की होती हैं, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। चलिए बच्चों, देखते हैं काल्पनिक संख्या होती क्या है। जैसे इसका नाम ही है कि काल्पनिक है, जिसकी हम लोग कल्पना करें। ऐसी संख्या जिनकी कल्पना की, जो एक्चुअली में ना हो, वो सब क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्या कहलाएंगे। कैसे? लेकिन हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वह संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। मतलब जिनका वर्ग स्क्वायर करें और क्या मिले? ऋणात्मक मिले, वो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। जैसे यदि हम अंडर रूट माइनस तीन लिख दें, क्या लिख दें? अंडर रूट माइनस तीन। अब देखते हैं ये काल्पनिक संख्या कैसे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और वर्ग करने से रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। वर्ग करने के बाद रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है। और जब रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस थ्री। यानी यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, ये संख्याएं केवल ख्वाबों में हो सकती हैं, कल्पनों में हो सकती हैं, काल्पनिक संख्याएँ। क्या हैं? काल्पनिक संख्याएँ। जैसे और आप समझ सकते हैं, यदि वाई बराबर लिखा है अंडर रूट के अंदर माइनस फाइव, ठीक, माइनस पाँच लिखा है। यदि मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा? होल स्क्वायर। माइनस पाँच आ रहा है ना, इसका मतलब कह रहा है कि वाई एक ऐसा नंबर है, वाई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर भी माइनस में आए। लेकिन स्क्वायर तो सदैव प्लस में आते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होगा? वर्ग क्या होते हैं? सदैव धनात्मक आता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वर्ग एक ऐसा, मतलब वाई एक ऐसा संख्या है, ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों? ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। तो इससे क्या मालूम चलेगा कि जो वाई है वो क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। यानी यदि काल्पनिक संख्या होगी तब तो उसका स्क्वायर माइनस पाँच आएगा। यानी जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता है वो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती है। इट्स ओके, क्लियर? क्लियर हुआ काल्पनिक संख्या? दूसरा तरीका आप इसको समझेंगे कैसे, यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, चार हो, माइनस नौ हो, पंद्रह हो, तीन बटा दो हो, तो हम परमेय अपरमेय भिन्न बाद में कहेंगे। परमेय अपरमेय भिन्न, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, ये बाद में कहेंगे। सबसे पहले बात हम ये कहेंगे कि ये जो है ये कैसी संख्याएं? रसगुल्लो, ये संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए काल्पनिक संख्या। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। देख लीजिए, जिन संख्याएं रूट के अंदर माइनस में होती हैं वह काल्पनिक कहलाती हैं। इसका डिफिनेशन क्या बनेगा?
वह संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, या वह संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त होता है क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा वास्तविक संख्याएं। क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। चलिए देखो डियर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? वह संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वह संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों, यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग, अब देखिए जैसे रूट तीन है, हम यदि इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में तीन आएगा ना, बोलो। पाँच बटा छः है वो भी माइनस में है, यदि ये इसका वर्ग करेंगे तो प्लस 25/36, यानी संख्या यदि रूट के अंदर माइनस में नहीं है तो उनका वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा? धनात्मक होगा। माइनस लिखा हो 1/2, यदि हम इसका वर्ग करके चेक कर लें तो 1/4 आ जाएगा। बोलो बच्चों, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यानी वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और देख लीजिए एग्जांपल, आप जैसे रूट 3/2 लिखा है, अब यदि हम इनका वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 3 का रूट तो हट ही जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसमें पूर्णांक पढ़ेंगे, अपूर्णांक पढ़ेंगे, उसके बाद शून्य पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, परिमेय अपरिमेय पढ़ेंगे, सब के सब हम लोग को वास्तविक में पढ़ना है, काल्पनिक में नहीं पढ़ना है। ठीक है, काल्पनिक के चक्कर में नहीं आना है, केवल हम लोग वास्तविक के चक्कर में पढ़ेंगे और वास्तविक की पढ़ाई करेंगे। क्लियर? लेकिन आपको काल्पनिक भी जानने की आवश्यकता है, कभी कदार कहीं कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को काल्पनिक की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्लियर? तो ये हमारी थी वास्तविक संख्याएं, इनको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये समझ में ना आया तो कमेंट करके आप बताइए तुरंत कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट करो बच्चों, नोट करो।